किसी ने सही कहा है ना यार, यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है। अगर डिब्बा खोल लो तो डिब्बे में से एक मिठाई नहीं खा पाओगे, बहुत सारी खानी पड़ेगी। डायलॉग थोड़ा उल्टा बोला है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी कहानी की, जिसमें मैं बात करूँगा विथ फोटोज और विथ वो लम्हे, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जितने भी साथी थे, जितने हम सफ़र मेरे कॉलेज के, जितने भी बेस्ट फ्रेंड या जितने भी कॉलेज फ्रेंड या जितने भी क्लासमेट, उन सब के बारे में। और वही लम्हे हम वापस जिएंगे एक साथ में यह वीडियो देख के। आई होप यू गाइज विल इन्जॉय द वीडियो। अभी अभी तो स्कूल ख़त्म हुआ था, अभी तो बहुत गप्पे लड़ाने थे मेरे दोस्तों से, मेरे यारों से जो स्कूल के थे। लेकिन तभी एक लम्हा ऐसा आ गया कि हमें चूज करना था कि हमें अभी आगे क्या करना है, और हमने चूज कर लिया होटल मैनेजमेंट, वो भी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज से। तो ये है हमारी कॉलेज SIHM। आप यहाँ पे एक बार आ गए तो कभी भी बाहर जाना चाहेंगे नहीं, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बाहर जाने मिलता भी नहीं। 15 जुलाई 2018 को हमने हमारा हॉस्टल रूम देख लिया था, लेकिन 17 जुलाई 2018 हमारा इनोग्रेशन डे था, मींस उद्घाटन दिवस ऑफ Batch 3 ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग मिले थे हमारे दोस्तों से, जहाँ पे हम लोग मिले थे मास्टर साहब दीपू रमन हांडा से, और हम लोगों ने कई बातें शेयर करी थी एक दूसरे के साथ, कई नई फ्रेंडशिप बनी थी, तो कुछ नए लोग मिले थे। जितने भी पेरेंट्स थे वो बहुत ही खुश थे हम लोगों को साथ में देख के, क्योंकि एक से एक बच्चा अपने ही माँ बाप के साथ, अपने ही फैकल्टी के साथ, और जितने भी लोग थे उनसे बहुत ही अच्छे से घुल मिल रहा था। और ऐसी बैच चाहिए थी हमें, जो हमें हमारे पहले ही दिन में मिल गई थी, Batch 3 ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसी दिन पहली बार उन्होंने वॉलीबॉल भी खेला था, और वो दिन याद रहेगा क्योंकि उसी दिन बहुत सारी बारिश भी हुई थी, तो हमने पहली बार SIHM की बारिश उस दिन देखी थी। दूसरे ही दिन हमने सैफ जया एंड मिस्टर त्रिवेदी का इंट्रोडक्शन लेक्चर भी भरा था, और वहाँ पे ही हमें हमारी एक कुंभकर्ण वाली गैंग भी मिल गई थी, जो हमेशा सोती ही रहती है। और क्यों ना सोए कोई, क्योंकि उस दिन पहली बार ऐसा अच्छा खाना भी मिला था। उस दिन हमारे दोनों इनहाउस फैकल्टी ने हमारे लिए एक एक्टिविटी भी रखी थी, जिसमें हमें हमारा टैलेंट दिखाना था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शायरी बोली थी तो बहुत सारे लोगों ने गाने गाए थे। उसके अलावा भी हमारे क्लास में इतना टैलेंट है कि बहुत सारे लोगों ने एकदम भांगड़ा वाला डांस भी किया था। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म हुई थी, उसके बाद बाहर का जो भी हमारा चौराया है वहाँ पर गुजराती गरबा भी किया था। दिन तो गुजर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने एक दूसरे के साथ यादें बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तभी SIHM ने हमें एक और मौका दिया शॉर्ट ट्रिप ऑफ तिरुपति रुसीवन लाके। ये ट्रिप की बात करूँ तो सबके लिए ये सबसे मेमोरेबल ट्रिप होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, यहाँ पे दूसरे से मिल रहे थे, हम लोगों को दूसरे का नेचर पता चल रहा था, और ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप सब लोगों के साथ यहाँ पर ही बढ़ी। तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही मेमोरेबल रही होगी आपके लिए। अभी तो तिरुपति रुसीवन वाली ट्रिप ख़त्म भी नहीं हुई थी, और दूसरी ट्रिप आ गई जो थी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑफ नारायणी हाइट्स होटल्स एंड रिसोर्ट। यहाँ की बात करूँ तो ये ट्रिप इस वजह से मेमोरेबल रही है क्योंकि ये हमारी पहली विजिट थी होटल की, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ होटल में जा रहे हैं और होटल कैसे चलती है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों की स्पीच देखी, और वो छोले भटूरे तो हम कैसे भूल सकते हैं कि जो वहाँ पे खाए थे। आई एम श्योर आप सबको भी ये बहुत ही ज़्यादा याद होगा। उसके बाद के ही दिन आई थिंक हम लोग पहली बार SIHM से वापस घर गए थे। खुशी तो देखो ये लौंडे की, मतलब घर जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है। लेकिन जब घर गए तो पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि SIHM में भी हमारी एक फैमिली है। 15th August 2018, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट SIHM। उस दिन हमने अपने हाथों से पूरे SIHM कॉलेज एंड स्टाफ एंड जितने भी लोग थे SIHM में, उनके लिए लड्डू बनाए थे,
और 15 अगस्त की तैयारी हमने धूमधाम से की थी। उस दिन पहली बार हम लोगों ने SIHM में भारतीय झंडा लहराया था और हमने सब लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया था। और दिनेश सर के सर पर वो राजस्थानी पगड़ी भी हमने उस दिन पहली बार देखी थी। अगर याद हो आपको तो उस दिन हम बाहर भी गए थे किसी पास के गांव में, जहां पे हमने सिंगिंग कंपटीशन में भी भाग लिया था हमारे कॉलेज वालों ने, और वहां पे जाकर भी हमने भारतीय झंडा लहराया था। लेकिन यहां पर हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा, हमने फिर बनाया रंगोली कॉम्पिटिशन। रंगोली कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था, जिसमें हमें एक थीम पे डिफरेंट डिफरेंट रंगोली बनाने थी, जहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने आइडिया से अपने अपने दिमाग लगा के कोई भी डिज़ाइन में, जो भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था उसके साथ साथ जो भी हमारा टॉपिक था उस पर रंगोली बनाई थी। उन दिनों में सैफ जया मैम से हमने ये भी सीखा था कि वेजिटेबल्स को कौन कौन से शेप में कट करते हैं। 1 सितंबर 2018 को हमारी दूसरी ट्रिप आ गई, जो थी पोरबंदर विजिट। मतलब उसके लिए हम सारे इतने एक्साइटेड थे क्योंकि फिर से हमें जाने मिल रहा था बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। मतलब लॉन्ग टाइम मतलब 2 महीने के बाद हम कहीं बाहर जा रहे थे, मतलब इतनी मस्ती हमने कभी नहीं की। और ये थी बापू की भूमि, तो मतलब उसको देखने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पे हम लोग होटल तोरण में रुके थे, जहाँ पे हम लोगों को भी अपने अपने रूम मिले थे, तो वो मज़ा ही अलग था। दूसरे दिन हम पहुँच गए शेरों के देश में, गिर फॉरेस्ट गुजरात, जहाँ पे हम लोग द फन होटल एंड रिसोर्ट ने मुलाकात भी की थी। वहाँ के रूम्स देखे थे, वहाँ के होटल कैसे चलती है वो भी देखा था। उसके अलावा स्पा, स्विमिंग पूल, जो भी चीज़ें थी उनके बारे में अच्छे से पूछा था हमने। उसके अलावा बात करें, हम लोग गिर गए थे मॉनसून फेस्टिवल 2018 को अटेंड करने के लिए, जहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग आए थे, एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। और वहाँ पे बारिश भी हुई थी। और अगर हम बात करें वहाँ की, तो मॉनसून फेस्टिवल में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो कास्ट है उनको भी वहाँ पे ही मिले थे। हम पहुँच गए हैं अब सोमनाथ, भगवान शिव के पास। हम लोगों ने भगवान शिव के दर्शन भी किए, और उसके अलावा हम लोग वहाँ पे ठहरे थे जहाँ पे एक साथ में हम लोगों को बंकर में रहना था, तो वो एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ही अलग था। और दूसरी बात करें तो ये ट्रिप 3 दिन की बस अब यहीं पे ख़त्म होती है, उसके बाद हम लोग SIHM वापस आ गए। तो जैसा मैंने बोला, हम सेलिब्रेशन में कभी पीछे नहीं रहते, तो हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी SIHM में किया था। हम लोगों ने पूरा SIHM सजाया धजाया था। और दूसरी बात करें मटकी फोड़ की, तो जन्माष्टमी हो और मटकी फोड़ ना हो तो उसके बिना कैसे चलता है। हमने पूरा पूजा पाठ, कृष्ण जी को नहलाया था, सब कुछ किया था। और ये मेमोरेबल रहेगा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूनिटी दिखाई थी, ऐसी यूनिटी की जो हमेशा याद रहेगी हम लोगों को, कि Batch 3 ने इतना सब कुछ एक साथ सेलिब्रेशन किया था। और सेलिब्रेशन की बात करें तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे आगे हमने ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन किया है कि जो SIHM में कोई भी बैच ने नहीं किया है। और मटकी फोड़ तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि हम लोगों ने कैसे की थी, ऐसे मटकी लटकाई थी हमने 3-4 घंटे मेहनत करके। सब लोग ऊपर मेहनत कर रहे थे, और मतलब लोग कहाँ कहाँ पर चढ़कर ये मटकी बांध रहे थे मैं आपको क्या बताऊँ। ये लम्हे आई डोंट थिंक सो कि ये कभी भी वापस आएंगे। ये जो पल हम लोगों ने साथ में बिताए थे, जितनी भी मस्ती की थी, जितनी भी यूनिटी दिखाई थी यार, बहुत ही मिस होगी यार ये सब कुछ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सेलिब्रेशन हमारा कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, तो हमने टीचर्स डे सेलिब्रेशन भी किया था, जहाँ पे हम लोग ने जितने भी फैकल्टीज़ थे उन सब के लिए कुछ ना कुछ गेम्स या केक, बहुत सारी मस्ती की थी हम लोगों ने साथ में। पहली बार ऐसा हुआ था SIHM में कि फैकल्टीज़ इतने खुश दिखाई दिए थे एक साथ में, क्योंकि उन लोग को मैं बताऊं तो उस दिन एज बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने इतने एंटरटेनमेंट वाले गेम्स उन लोगों के लिए रखे थे। आप देख ही सकते हैं कि हमने बहुत सारे गेम्स उनके लिए रखे थे। और वो दिन दूसरी बार हम लोगों ने हमारी बैच की यूनिटी देखी थी, जहाँ पे सब लोग मिलकर उस दिन को मेमोरेबल बना रहे थे। तारे जमीन पर
ये तो है सर्दी में धूप की किरने, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। तो अब आ रहा है आज तक का सबसे बिगेस्ट सेलिब्रेशन, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, द बिगेस्ट सेलिब्रेशन एवर। जहाँ पे यूनिटी की बात करें तो मतलब भाई साहब, गणेश बापा के लिए हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। जितनी भी हम लोगों की यूनिटी, जितनी भी हमारा पावर था, हम लोगों ने सब कुछ दिखा के एक अच्छा सा फंक्शन बनाया, जो आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में। अभी समय आ गया है फिर से पर्यटन पर्व पे जाने का, जहाँ पे हम वडनगर गए थे, रानी की वाव गए थे और रुद्रमालय भी गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने फोटोज़ भी खिंचवाए थे और हेरिटेज की क्या वैल्यू होती है वो भी जानी थी। पर्यटन पर्व की बात करें तो हमने नुक्कड़ नाटक में भी पार्ट लिया था, जिसमें सबसे पहले हमने स्वच्छ भारत अभियान का जो लोग आए थे उनका नाटक भी अटेंड किया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी रेडी किया था जो सोनिया मैम के अंडर में हुआ था। और हम लोगों ने फिर एक दिन सिद्धपुर के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाके लोगों में अवेयरनेस जगाई थी। तो मैं इस एक्ट का श्रेय देना चाहता हूँ सोनिया मैम को, कि अगर वो नहीं होते तो मतलब ये कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। फिर हम लोग पहुंच गए वापस अहमदाबाद, और ये तो फेस्टिवल था नवरात्रि, तो अभी इसको हम कैसे भूल सकते हैं। हम लोग अहमदाबाद आए जेएमडीसी ग्राउंड में, वहाँ पर हम लोगों ने SIHM को रिप्रेजेंट किया, और हमारे जो CM है विजय रूपाणी सर, उनसे मुलाकात भी की थी यहाँ पर। फिर हम लोगों ने दिवाली भी सेलिब्रेट की थी अपने अंदाज में। सोनिया मैम की हेल्प से हमने खोरवाड़ा गांव, जो छोटा सा गांव है, वहां पे हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी और लोगों को खुश किया था। मतलब उनको देख के ही हमें ऐसा लगा था कि नहीं, दिवाली हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करनी चाहिए।
फिर हम लोगों ने किया था कैंप फायर कि जो आज तक किसी भी बैच ने नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैंप फायर भी किया था और उसके साथ साथ बारबेक्यू भी किया था, जहाँ पे हमने पोटैटोज और बहुत सारे वेजिटेबल्स बारबेक्यू करके सब लोगों ने साथ में खाए थे। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं कि आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो एंड जितनी भी यादें होगी वो वापस ताज़ा हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।